प्यारे बच्चों चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास 9 सीबीएसई के लिए साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या इंटरवल होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है। हम लोग यहां तक ये भी पढ़े हैं कि हमेशा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो फिर बराबर हो सकता है। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन के टाइप में, तो लिखेंगे टाइप ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के प्रकार। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं तो लिखेंगे एरो देकर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। तेरे बच्चों मोशन के दो प्रकार है। पहला का नाम तेरे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा का नाम है तेरे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। तो याद रहे मोशन के दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम है यूनिफॉर्म और दूसरे का नाम है नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग को जरा ये बात समझना होगा कि यूनिफॉर्म किसको कहते हैं। तो यूनिफॉर्म उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों जो टाइम के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस तय करे। जैसे मान लिया कि एक व्यक्ति है वो चलना शुरू करता है, एक मिनट में अगर वो जा रहा है 10 मीटर तो अगले दूसरा 2 मिनट में टोटल कितना जाएगा तो 20 मीटर की दूरी तय करेगा। तीसरा मिनट में वो टोटल कितना चला जाएगा तो फिर से 10 और ऐड करेंगे। चौथे मिनट में वो कितना चला जाएगा, 40 मीटर की दूरी तय करेगा। पांचवे मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 50 मीटर की दूरी तय करेगा। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो टाइम के इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करता है। अगर मान लिया कि ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक घंटे में 60 किलोमीटर गया फिर अगले एक घंटे में 40 किलोमीटर ही गया, तब इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि यूनिफॉर्म हमेशा क्या होता है, टाइम के इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करता है, यानी कि डायरेक्टली होता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म कैसे होता है तो वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर मान लिया कि हमको यहां से कहीं दूसरे जगह जाना है, अब वहां हम लोग जाते समय बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, जैसे 2 किलोमीटर पर घंटा या फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे। अब हमेशा 20 किलोमीटर यानी एक्सीलेटर को एकदम कांस्टेंट रखना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना होगा, चाहे कितना भी भीड़ भाड़ क्यों ना हो हमको उतना ही स्पीड रखना होगा, तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, जैसे मान लिया कि किसी टाइम में हम कभी तेज चल लिए और किसी टाइम में कभी हम स्लो चल लिए। जैसे मान लिया कि यहां से हम लोगों को नबीनगर से औरंगाबाद जाना है और यहां से जाते समय हम लोगों को बीच बीच में कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है अंबा, वहां पे फंस गए हम लोग। तो अब यहां से जा रहे थे नबीनगर 40 किलोमीटर पर आवर से और जैसे भीड़ भाड़ में पहुंचे वहां हो गया हम लोग का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही वहां स्पीड हम लोग का स्लो हो गया तो हम यहां ये बोलना चाह रहे हैं कि इसी को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या अंतर है प्यारे बच्चों, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में यही अंतर है कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सेम स्पीड से चलते जाना और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अपना स्पीड टाइम के साथ साथ कभी चेंज करना, कभी बढ़ा देना, कभी घटा देना, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कुछ लिखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो अब टॉपिक देंगे नेक्स्ट लिखा जाए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, फर्स्ट एरो देंगे लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, फर्स्ट एरो लिखा जाए द ऑब्जेक्ट कवर्स मतलब पूरा करना, कवर्स
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल एकदम एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करे, बराबर दूरी तय करे, हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करें तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कि टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को फॉलो करेगा। चलिए, तो अब हम लोग टॉपिक देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में लिखा जाए, द ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? तो अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरी, यानी कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस अगर तय करता है उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से कहीं भी हमें जाना है, तो कभी हम स्लो चलते हैं, कभी फास्ट चलते हैं, एक स्पीड से नहीं चलते हैं, वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक ही स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि हर टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं, उतना ही यात्रा पूरी कर रहे हैं जैसा कि पहले मिनट में किए थे, तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म किसको कहते हैं? जो अलग अलग टाइम में अलग अलग हमें डिस्टेंस तय करता हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, अब उसके आगे का टॉपिक्स पढ़ते हैं। उसके आगे का टॉपिक्स है एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड के बारे में लिखेंगे, टॉपिक बनाएंगे एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग समझेंगे कि टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, प्यारे बच्चों, वो निकलता है एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। यानी कि अगर जितना टोटल डिस्टेंस होगा और जितना टोटल टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड निकलेगा। यानी एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। फिलहाल लिखेंगे, इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट कवर्स टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम इज सेड टू बी एवरेज स्पीड। उसके नीचे लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी प्यारे बच्चों, अगर हमसे पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब जरा एग्जांपल देकर समझाते हैं एक क्वेश्चन को कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उसके नीचे फार्मूला लिख लीजिएगा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का मतलब क्या है। मान लिया
एक एग्जांपल पे क्वेश्चन, एक बस है और एक बस और एक ट्रेन है, दो तरह का ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग दोनों का एवरेज स्पीड, या फिर बोला जाए कि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक बस है और वो बस के बारे में दो चीज जानकारी है। जानकारी ये कि बस जब खुली तो वहां से ये देखा गया कि 10 मिनट में वो टोटल दूरी तय कर रहा है 500 मीटर। यानी कि 10 मिनट जब बस चली तो कितना मीटर यात्रा हुआ, 500 मीटर। फिर सेकेंड सिचुएशन में ये देखा गया कि 5 मिनट जब बस चली तब उसका जो डिस्टेंस कवर किया वो 600 मीटर तय किया। तब हमको बोला गया कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस, यानी कि बस का एवरेज स्पीड क्या है उसको निकालिए। तो एवरेज स्पीड में तो हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए प्यारे बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस यहां निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना, तो एक ही बस के बारे में बोला जा रहा है कि पहला बस वही है, अब ये बस 10 मिनट में 500 मीटर, तो 500 मीटर ये डिस्टेंस चला होगा, तो 500 प्लस फिर चला 600, तो टोटल कितना हो गया 1100 मीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस उस बस का कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1100 मीटर। अब जरा हम लोग काम करते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल एक पहला बार में उसको टाइम लग रहा था 10 मिनट, तो यहां लिख दिया 10 मिनट। फिर लग रहा था 5 मिनट, तो फिर लग देंगे 5 मिनट, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 और 5 को ऐड करने से 15 मिनट। तो हमको यहां से टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया और टोटल टाइम भी पता चल गया। तो हम लोग यहां से एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना 1100 बटा टोटल टाइम यानी कि 15। अब 1100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कटेगा 3 बार में और ये 5 से कटेगा 220 बार में, यानी कि 3 × 6 = 18 और 4 × 0 = 321 73.3 मीटर प्रति मिनट। यानी कि इसका जो एवरेज स्पीड आएगा 73.3 मीटर प्रति मिनट होगा। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखा जाए इस बार। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड चलिए अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मेरे बच्चों अगला जो क्वेश्चन जो अभी हम लिखवाए, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि पहले बार में 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करता है और फिर वही सॉल्यूशन। तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस निकालिए। टोटल डिस्टेंस क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर चल रहा है 4 सेकेंड में। 16 मीटर कितना सेकेंड में, 4 मीटर में।
चार सेकंड में, तो 16 मीटर। और फिर अगला जो अनदर ऑब्जेक्ट है वो भी 16 मीटर चल रहा है, तो 16 16 कितना मीटर हो गया, 32 मीटर। अब अगर टोटल टाइम का बात करें तो टोटल टाइम कितना प्यारे बच्चों, तो पहले में कितना सेकंड का टाइम लग रहा था उसको, 4 सेकंड का, और फिर दूसरे में कितना सेकंड का, तो 2 सेकंड, एस मतलब सेकंड, तो 4 और 2 मिलकर 6 सेकंड का पूरा टाइम लग रहा है। अब हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस देखिए तो टोटल डिस्टेंस कितना है 32, टोटल टाइम कितना है 6, तो अब हमको 32 से 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 × 5 = 30 पॉइंट में आएगा पॉइंट, और 2 × 0 = 36 5.3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग टोटल एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए, आप खुद इसको दो क्वेश्चंस को बनाकर भेजिएगा इस ग्रुप में, हम चेक आउट करेंगे कि कितने लोगों का सही बन पा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 150 यानी कि 150 किलोमीटर इन टू आवर एंड एनदर इज 120 किलोमीटर इन 4 आवर देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 meter distance in 2 seconds and another is 15 meter in 4 seconds and another is 20 meter in 5 seconds, then what is the एवरेज स्पीड। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1-2, आप जरूर से जरूर इसका एवरेज स्पीड निकालकर और आप ग्रुप में भेजेंगे, हम वहां से चेकआउट करेंगे कि कितने लोगों की सही हो रही है, कितने लोगों की गलत हो रही है। अगर आपका गलत होगा तो फिर हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे या फिर अगले वीडियो में इसको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास से, तो तब तक आपका धन्यवाद।